ऐकून घेतली आणि त्याला ठेंगा. गप रे गप. अरे वा खूप छान. दादा मुझे तो वापस माझी टर्न आहे. अरे दादा चीटिंग करतोस. दादा नॉट फेअर. मी नाही केली चीटिंग. दादा नॉट फेअर. मी नाही केली चीटिंग. अरे दाई काय झालं. अविनाश यश अंकिता मुझे 12वीं में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं. क्या बात है ताई. ताई अब तो पार्टी पक्की है ना. हाँ जरूर. अंकिता अब आई कहाँ है. आई जल्दी आइए ना. आइए खुशखबरी लेकर आई है. आई आज भी खूब खुश है. मेरा आज उछल खुद करने का बहुत मन कर रहा है. आई आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 12वीं के एग्जाम में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं. सबसे ज्यादा मार्क्स. तो अब कैरम खेलने मत बैठ जाना और तुम्हारी उछल कूद के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है. घर में बहुत सारा काम पड़ा है. पहले उसे देखो. और आज घर में पूजा भी है. माजी टर्न माजी टर्न माजी टर्न. पहले से मेरी टर्न कर लेता. आई आई माझं काम संपलं. आई आज मेरा 12वीं का रिजल्ट आया है जिसमें मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं. आज तो तुम्हें ट्यूशन के पैसे मिले होंगे ना. हाँ वो ये पैसे. बाकी का सामान लेके आओ. तेरी 12वीं में सबसे अच्छे नंबरों से पास होने की खुशी में मैंने ये खास खीर बनाई है. ले बैठ. ले. आई दूध कहाँ. ये पतीला खाली क्यों है. जया वो राधा के पास होने की खुशी में मैंने खीर बना दी. आप भी कमाल करती हैं आई. घर में बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है और आप खीर बना रही हैं. पहले घर की दूसरी जरूरतों को देखिए फिर देखते हैं ये सब. मैंने राधा को जन्म नहीं दिया. राधा मेरी बेटी नहीं है. मैंने राधा राधा नाम से जन्म नहीं दिया. राधा राधा मेरी बेटी नहीं है. मैंने राधा राधा नाम से जन्म नहीं दिया. राधा राधा मेरी बेटी नहीं है.
ऐसे फैसले जो बहुत समय से रुके हुए हैं, आज मुझे उन्हें एक सही अंजाम देना है। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। हर जगह तो ढूंढ लिया मैंने राधा ताई को, अब और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? अब क्या करें? मुझे तो लगता है कि अब पुलिस में रिपोर्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। राधा ताई, बता के तो जाती ताई कि आप कहाँ जा रही हैं। पता है हम सब कितना परेशान हो रहे थे। हाँ ताई, बस पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की ही सोच रहे थे। अब चुप क्यों है ताई, कुछ कहती क्यों नहीं, जवाब तो दीजिए। अगर कुटे गले होते तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुझसे ये शब्द छीन लिया हो, जैसे हमारे बीच का रिश्ता टूट गया हो, जैसे इस दुनिया में मैं अकेली हो गई हूं। लेकिन नहीं, दुनिया की कोई ताकत मुझसे ये शब्द नहीं छीन सकती। आपने तंगहाली में मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे संस्कार हैं, सब आपकी वजह से ही आई।
क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को संवारती है, तो फिर हमारे बीच का ये रिश्ता कैसे टूट सकता है आई? आप मेरी आई है बस। अगर सिर्फ जन्म देने से ही माँ का दर्जा मिलता है तो फिर यशोदा मैया का नाम क्यों लिया जाता है, जिन्होंने कृष्ण जी को उनकी जन्म देने वाली माँ देवकी से भी ज्यादा प्यार किया? आप मुझे जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हो। अगर अगर आप ही मुझे छोड़ देंगी तो मेरा क्या होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जन्मों जन्मों के रिश्तों को नहीं तोड़ सकती। आप मेरी आई थी, मेरी आई है, मेरी आई रहेंगी। आप मेरा सम्मान है, मेरी पहचान है। आप मेरी जीने का मकसद हो आई। एक सौतेला शब्द मेरे मकसद को डिगा नहीं सकता। मेरी जिंदगी की खुशियां आपसे हैं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि उन सारे सालों को भूल जाऊं, ना मैं आपकी मुश्किलों को भूल सकती, ना आपके त्याग को। मुझे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए आई। आपका आशीर्वाद चाहिए।
फरिश्ता बनने की कोशिश मत करो राधा। गीता हो या पुराण, हर ग्रंथ में ये साफ साफ लिखा है कि अन्याय मत सहो। और तुम उस औरत को अपनी माँ का दर्जा देना चाहती हो जिसने बचपन से लेकर आज तक तुम पर सिर्फ अन्याय किया है। प्लीज आजी, आप चुप रहिए। नहीं, इतने सालों तक मैं चुप रहकर घूमती आई हूँ, लेकिन अब नहीं। आज मैं चुप नहीं रहूंगी और ना मैं तुम्हें चुप रहने दूंगी। नफरत की भी एक हद होती है, लेकिन जया ने सारी हदें पार कर दी। अरे कोई किसी मासूम से इतनी नफरत कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने उसके कोख से जन्म नहीं लिया था। सिर्फ इसलिए कि तेरे बाबा तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इतने सालों तक मैं तुझ पर जुल्म होते देखती आई, लेकिन चुप रही। अरे नफरत घरों को बर्बाद कर देती है, और जया की नफरत की आग में मेरे बेटे का घर जल गया। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं राधा। तुम पर जुल्म होते रहे लेकिन मैं चुप रही, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे आज ये दिन दिखाया है। राधा, जो गलती मैंने की उसे तुम मत दोहराओ। राधा, अभी भी वक्त है, जागो, अपनी आंखें खोलो। राधा, जब से होश संभाला है तब से सिर्फ एक ही शब्द से प्यार किया है, आई। आजी, पुराण में भी यही लिखा है ना कि प्यार हर नफरत को जीत लेता है। फिर मैं उनकी नफरत को क्यों देखूं? क्यों ना मैं उन्हें इतना प्यार दूं कि एक दिन वो सब कुछ भूलकर मुझे प्यार से गले लगा ले। मैं उनकी बेरुखी भूल सकती हूँ आजी, लेकिन ये नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अगर वो ये सब नहीं करती तो मेरा क्या होता? और उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं आजी। आप देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम जया को समझ ही नहीं पाई हो। अरे सूरज को कितने भी प्यार से देखो, वो कभी ठंडक नहीं देगा और ना कभी अंधेरा रोशनी देगा। इसी तरह जया भी तुम्हें कभी प्यार नहीं देगी राधा, कभी नहीं।